हेलो दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फाइबर सोल के प्रोडक्ट हैं। तो आज मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये फाइबर सोल का डुअल बैंड डिवाइस है और 4 एंटीना है, 4 के 4 एंटीना इसके 5 DBI के हैं। और पीछे से अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे जो 2 लैन पोर्ट है, दोनों गीगा पोर्ट है, एक पावर ऑन ऑफ बटन है और एक वॉइस टेलीफोन का पोर्ट है और यहाँ पर आपका फोन पोर्ट आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है और परफॉर्मेंस भी इसका बहुत बढ़िया है। और जो दूसरा डिवाइस है वो ये है, देखने में आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। ये ऑफ वाइट कलर है इसका और फ्रंट लुक देख सकते हैं आप इसका, बहुत ही अच्छा है। और जो बॉडी है इसकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 4 एंटीने है इसके अंदर, इसके भी 4 एंटीने 5 DBI के हैं। और बैक लुक देखेंगे आपका तो बैक भी सेम है आपका, दोनों पोर्ट यहाँ पे जो इथरनेट के पोर्ट हैं वो गीगा पोर्ट है, एक पावर ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे आपको टेलीफोन पोर्ट मिलता है, फोन पोर्ट है। तो बैक लुक भी बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत ही बढ़िया डिवाइस है ये, परफॉर्मेंस जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। और फिर आपका आ जाता है सिंगल बैंड, ये आपका सिंगल बैंड डिवाइस है और जो फ्रंट लुक है इसका वो भी अच्छा है, 219 इसके 5 DBI के हैं। और पीछे देखेंगे आप तो सेम ही है, 2 गीगा पोर्ट हैं इसके अंदर, यहाँ पर आपको का वाईफाई बटन मिल जाएगा और एक रीसेट के लिए है और यहाँ पावर बटन है तो पावर इन करने का ऑप्शन है और ये आपका फोन पोर्ट है, ये टेलीफोन। फिर आपका सबसे प्यारा सिंगल बैंड ये आता है, देख सकते हैं आप स्लोप और लाइट स्काई ब्लू कलर है इसका, 5 DBI के 2 एंटीने हैं। पीछे देखेंगे आपको तो इसके अंदर इथरनेट पोर्ट है, 1 गीगा पोर्ट है, 1 FE पोर्ट है और एक वॉइस के लिए है जो टेलीफोन पोर्ट है, एक पावर बटन है और जो इसका रीसेट बटन है वो इधर साइड में मिलता है आपको, WPS और रीसेट। तो काफ़ी प्यारा डिवाइस है ये, आप देख सकते हैं। और अब जो हमारा दूसरा है वो है ये सिंगल बैंड विदाउट वॉइस डुअल एंटीना। तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक जो गीगा पोर्ट मिलता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, 300 MBPS तक स्पीड देता है। फिर आपका आ जाता है सिंगल बैंड सिंगल एंटीना, इसके अंदर आप बाहर देख रहे हैं ये सिंगल एंटीना है लेकिन एक इसके इंटरनल एंटीना अंदर है और इसके अंदर आपको एक पावर बटन मिलता है ऑन ऑफ के लिए और 1 गीगा पोर्ट मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, 300 MBPS तक सपोर्टेड है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा।